पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? 75, 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हमने एक बहसियत है पाकिस्तानी क्या हासिल किया? बहुत कुछ हासिल किया और बहुत कुछ खोया, लेकिन वो बुनियादी कलेमा, वो बुनियादी नारा जिसकी बुनियाद पर लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग कामयाब हुई, जिसकी बुनियाद पर मुसलमाना ने हिंद को एक आज़ाद रियासत अल्लाह ने अता फरमाई, उस बुनियाद को कहते हैं पाकिस्तान की बुनियाद। क्या ला इलाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाह इल्लल्लाह। हमने इसी को पूरा नहीं किया, बाकी क्या किया क्या नहीं किया वो अलग दास्तान, लेकिन अपनी बुनियाद को हमने पूरा नहीं किया। आज 75 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है और पाकिस्तान की तरक्की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जो असल करने का काम था वो हमने नहीं किया, नहीं कर सके। हम क्या कहते हैं 14 अगस्त के दिन को? यौमे आज़ादी। आज़ादी किसे कहते हैं? आज़ादी का तसव्वुर क्या है? कभी हमने इसके गौर किया? आज की नौजवान नस्ल में आज़ादी का तसव्वुर क्या है? कभी हमने इस पर गौर किया? इन बच्चों को कौन सा तसव्वुर आज़ादी का दिया जा रहा है? हमें तो नहीं पता। आज इसको समझ लीजिए, आज़ादी के दो तसव्वुर हैं, जैसे दो कौमी नज़रिया, तो आज़ादी के दो तसव्वुर हैं और दोनों बिल्कुल जुदा जुदा, एक इधर एक इधर, कोई दरमियान में कुर्बत नहीं है उनकी। एक तो आज़ादी का तसव्वुर है मग़रिब का, लिबरलिज्म का, लिबरलाइजेशन का, और एक आज़ादी का तसव्वुर है मुसलमानों का, इस्लाम का, दीन का। दोनों बिल्कुल अलग अलग है। मग़रिब का आज़ादी का तसव्वुर क्या है कि हर चीज़ से आज़ाद, हर फर्द अपनी रिवायात से आज़ाद, अपनी समाजी, कबाइली, नस्ली, लिसानी, इलाकाई, कौमी तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद, अपनी माशरती, अपनी अखलाकी, अपनी दीनी तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद, उनका आज़ादी का तसव्वुर ये है। वो हर किस्म की आज़ादी को हर सतह पर, हर कीमत पर हासिल करने में तलाश करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। उनकी आज़ादी का तसव्वुर ये है। उनकी आज़ादी के तसव्वुर में कुरान पाक से आज़ादी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से आज़ादी, अल्लाह ताला की बंदगी से आज़ादी शामिल है। ये उनका आज़ादी का तसव्वुर है। हमारा आज़ादी का तसव्वुर क्या है? हमारा आज़ादी का तसव्वुर ये है कि मुकम्मल आज़ादी के साथ अल्लाह ताला की बंदगी कर सकें, मुकम्मल आज़ादी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी कर सकें, मुकम्मल आज़ादी के साथ कुरान मजीद के अहकामात पर अमल कर सकें। हमारा आज़ादी का तसव्वुर ये है। बड़ी जो है ना महरूमी की बात है, बदकिस्मती की बात है, आज की हमारी नौजवान नस्ल को और हमारे बहुत बड़े सियासी तबके को मगरबी आज़ादी पसंद है और उसी की तरफ चल रहे हैं। आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि गलबे दीन हो, लेकिन हम दीन से आज़ादी की तरफ निकल पड़े, हम गलत रुख पे चल पड़े। आज किसी नौजवान से पूछ लें, उसने झंडा उठाया हुआ होगा, ग्रीन कपड़े पहने हुए होंगे, मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाला हुआ होगा और गिटार और बिगल और बाजे और ये सारी हराम चीज़ें उसके पास होंगी, उससे पूछें आज़ादी का तसव्वुर क्या है, शायद ही कोई हो खुश नसीब जो सही तसव्वुर बता सके, जो इस्लामी तसव्वुर बता सके, वरना तो मादर पिदर आज़ादी। और 13 और 14 अगस्त को तो, 13 अगस्त की रात, 14 अगस्त का दिन तो ट्रैफिक के कवानीन से भी आज़ादी, एक एक मोटरसाइकिल में 6-6 भी बैठे हों, 4-4 भी बैठे हों, तो उससे भी आज़ादी। और कल परसों मैंने पढ़ा एक खबर पड़ी व्हाट्सएप के ऊपर आई कि हुकूमत ने फैसला किया है, पुलिस ने, कि 13-14 अगस्त को वो नौजवान जो किसी की औरत को, बीवी को, माँ को, बहन को, बच्ची को छेड़ेंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी आज़ादी का तसव्वुर नौजवानों के जहन में क्या है? अगर सही तसव्वुर इन 75 सालों में हमने दिया होता तो यौम आज़ादी वाले दिन इस कानून को अमल दरामद पर लाने की और इस फिक्र के मुताबिक पुलिस को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और गौर कर लीजिए,
हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इदारों में, जगह जगह पूरे मुल्क में जो यौम आज़ादी की तकरीबात मुनाकिद की जाती हैं, वहाँ किस आज़ादी का प्रचार किया जा रहा है? वो कौन सी आज़ादी है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया? क्या उनके बारे में हमने पढ़ा, सोचा, सुना कि वो क्या चाहते थे? ना, बिल्कुल नहीं। तो आज की इस मजलिस में पाकिस्तान बनाने वालों की बातें आएंगी, उनकी स्टेटमेंट्स आएंगी कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे, उन्होंने क्यों ये हासिल किया, हमें क्यों दिया। याद रखिए, क़यामत के दिन मुझे भी और आपको भी, हम सबको शहदाए पाकिस्तान का सामना करना होगा। ऐसा ना हो कि उनके हाथ और हमारे गिरेबान हो, कि वो ये कहें हमने तो तुम्हें एक आज़ाद मुल्क अमानत के तौर पर दिया, बताओ तुमने क्या किया, हमारी कुर्बानियों में से क्या लाज रखी तुमने उसकी। ये सवाल क़यामत के दिन वो हमसे करने में हक बजाने भी होंगे। तहरीक आज़ादी की रूह क्या थी? तहरीक आज़ादी की क्या रूह थी? हकीकी आज़ादी की रूह क्या थी? वो तो आज जो लिखते हैं ना हकीकी आज़ादी का सफ़र, वो भी नहीं जानते। तहरीक आज़ादी की रूह क्या थी कि पाकिस्तान का मकसद ग़लबे दीन, जिसे रियासत मदीना कहा जाता है। रियासत मदीना वो जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए,